आप देख रहे हैं दखल न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी पारा चरम पर है। इस बीच अचानक देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार बनाने को लेकर चर्चा भाजपा ने नहीं रोकी है, शिवसेना ही बात करना नहीं चाहती है। अब उन्होंने हमसे बात करना बंद करके राज्यपाल से बात करना शुरू कर दिया है। मैं उद्धव ठाकरे पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनके आसपास के लोग और उनके सलाहकार ठीक नहीं है। शिवसेना ने हमारे साथ रहते कई बार आपत्तिजनक टिप्पणियां की, सामना में कई गलत बातें लिखी गईं। सामना को हम एक अखबार मानते रहे। हमारे नेताओं और मोदी जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। जब भी ऐसा हुआ मैंने उद्धव से बात की, तब उद्धव कहते थे कि वे पॉलिसी के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन हम दुखी इस बात से हैं कि शिवसेना ने हमारे नेताओं पर निजी हमले किए। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, रिपाई, रासप, रयत क्रांति, शिवसंग्राम आणि अजून बरेच पक्ष आमच्यासोबत होते आणि आमच्या महायुतीला लोकांनी संपूर्ण बहुमत त्या ठिकाणी दिलं। 160 पेक्षा जास्त जागा आम्हाला मिळाल्या आणि यासोबत भारतीय जनता पक्ष हा सर्वात मोठा पक्ष 105 जागा घेऊन या ठिकाणी निवडून आला। फडणवीस ने पीएम मोदी, अपनी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, साथ ही गठबंधन के नेताओं का भी धन्यवाद दिया। इसके साथ ही महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि प्रदेश में भाजपा और शिवसेना मिलकर कैसे सरकार बनाएंगे। फडणवीस ने कहा कि जनता ने उन्हें 5 साल सेवा का अवसर दिया। इन 5 सालों में उन्होंने कई संकटों का सामना किया। 5 में से 4 साल महाराष्ट्र में अकाल रहा। उनकी सरकार ने महाराष्ट्र में बहुत काम किए, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इस तरह फडणवीस ने अपने काम गिनाते हुए कहा कि पार्टी को इसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिला। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी 92 साल के हो गए हैं। आडवाणी वो नेता हैं जिन्होंने अयोध्या आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके बाद भारत की राजनीति पूरी तरह से बदल गई और उसे एक नई दिशा मिली। आडवाणी हमेशा पार्टी के भीतर लौह पुरुष के तौर पर पहचाने जाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में एलके आडवाणी की काफी बड़ी भूमिका रही है। देश की राजनीति को एक नई दिशा देने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का जन्म अभिभाजित भारत के सिंध प्रांत में 8 नवंबर 1927 को हुआ था। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार मुंबई आ गया था। यहीं उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की थी। जब आडवाणी महज 14 साल की उम्र के थे, तभी से उनका खिंचाव संघ की तरफ हो गया था और वह संघ से जुड़ गए थे। इसके बाद वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित जन संघ से जुड़ गए। बाद में जनता पार्टी और भाजपा के अस्तित्व में आने के बाद वह बीजेपी की मुख्य धारा के नेता बन गए। राम मंदिर आंदोलन को लेकर भले ही आडवाणी की मुख्य तौर पर पहचान हो, लेकिन वह हमेशा से भाजपा के शीर्ष नेताओं में से रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ के बाद दोनों भाजपा की राजनीति में नंबर 1 और नंबर 2 की राजनीति करते रहे। एनडीए शासनकाल में जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर से शुरू होगा। इस सत्र में मंत्री अपनी संपत्ति सार्वजनिक कर सकते हैं। इसके लिए विधानसभा में संसदीय कार्य विभाग संकल्प प्रस्तुत करेगा। सरकार ने वचन पत्र में यह वादा किया था कि जनप्रतिनिधियों के लिए साल में एक बार संपत्तियों को सार्वजनिक करना होगा। इसके मद्देनजर सरकार ने वचन पत्र से जुड़ी गैर आर्थिक मुद्दों को जल्द से जल्द पूरा करने की रणनीति बनाई है। मुख्य सचिव सुधीरंजन मोहंती ने सभी विभागों को इन पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। इसमें सरकार कहेगी कि विधानसभा के सभी सदस्य सदन में सालाना संपत्ति का ब्यौरा पटल पर रखेंगे। इसे अनिवार्य या ऐच्छिक करने का निर्णय मुख्यमंत्री कमलनाथ करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि अधिकारियों को संकल्प को लेकर नियम कायदों का परीक्षण करने के लिए कहा गया है। इस मसले पर बीजेपी विधायक विश्वास सारंग ने कहा कि सरकार तबादला उद्योग की
कमाई भी बताए। हर चीज पारदर्शी हो, भारतीय जनता पार्टी तो हर समय शुचिता की राजनीति को आगे बढ़ाने की हिमायती रही है, पर मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा कि इस हलफनामे में कांग्रेस के मंत्री उसका भी जिक्र करें कि तबादला उद्योग में उन्होंने कितना कमाया। वो इस बात का भी उल्लेख करें कि इन 11 महीने की सरकार में जो दो नंबर की अर्थव्यवस्था कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में शुरू की है उसकी क्या स्थिति है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2010 में मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान संपत्ति का ब्यौरा सदन के पटल पर रखने की शुरुआत की थी। 2013 तक यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर सत्ता में आने के बाद इसे लेकर गंभीरता खत्म हो गई। 2015 में वित्त मंत्री जयंत मलैया और 2017 में कैबिनेट मंत्री गौरी शंकर विसेन ने ही संपत्ति का ब्यौरा पटल पर रखा। इसे लेकर मंत्रियों की आलोचना भी हुई थी। भूपेश बघेल जी, आपके नेताओं और अफसरों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। आपके सुस्त सिस्टम से आपके विधायक ही भर पाए हैं। एक खतरनाक विधायक और सुस्त अफसर के वार्तालाप के इस नजारे को ध्यान से देख लीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर ढेरों भाषण झाड़ने वाली कांग्रेस के केशकाल विधायक संतराम नेताम ने सार्वजनिक स्थल पर भरी भीड़ में एक महिला डीएफओ की जमकर लू उतारी और महिला अधिकारी से कहा कि मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं, मैं चाहूं तो तुम यहां टिक नहीं सकती। विधायक ने यह भी कह दिया कि तुम मंत्री की बहन हो या कोई और, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल केशकाल की प्रभारी डीएफओ मूलतः अनुविभागीय अधिकारी रैंक की अफसर हैं। उन्हें डीएफओ पद का प्रभार दिया गया है। यह पद आईएफएस रैंक के अफसर का है, जबकि उक्त महिला अधिकारी एसडीओ हैं। अब आप नहीं मिलोगे मैडम, वो बंगले में रहो चाहे कहीं रहो, एक बार इनसे बात करो, तुम मिनट निकल गए, बात किए काम बने दिन। मिलती हूं सर, सबसे मिलती हूं, मैं इनको बुलवाई भी थी, उसमें लोग नहीं थे। एक तो आप ऐसे एसडीओ हो और डीएफओ बन के बैठे, और मैं जाऊंगा तो आप नहीं रहो, आपका कोई चाहे भाई मंत्री रहे चाहे सीएम रहे, मैं खतरनाक आदमी हूं, मेरे जैसे कोई आदमी नहीं। घटना के बाद एक बात सामने आई है कि ये महिला अफसर ना तो लोगों से मिलती हैं और ना उनकी समस्याओं का निराकरण करती हैं। इस कारण इनसे लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। लोगों की यही परेशानी विधायक के गुस्से की वजह बनी। इनके कारण छोटे छोटे मामले उलझे पड़े रहते हैं। इस घटना के बाद इस महिला अधिकारी को हटाकर किसी आईएसएस को डीएफओ बनाने की मांग शुरू हो गई है। इंदौर के टैगोर कॉलेज के छात्र अजय मिश्रा ने कॉलेज की प्रताड़नाओं से तंग आकर जहर खा लिया। जहर खाने से पूर्व छात्र ने एक वीडियो भी वायरल किया है, जिसमें छात्र ने कॉलेज प्रबंधन को इन सब का जिम्मेदार बताया है। छात्र ने बताया कि कॉलेज में ना तो टीचर है ना ही पढ़ाई होती है। बताया जा रहा है कि छात्र द्वारा 78,000 रुपए देने के बाद भी कॉलेज प्रबंधक संजय पारेख फीस के लिए परेशान कर रहा था। प्रबंधन द्वारा छात्र से पढ़ाई के नाम पर कॉलेज में झाड़ू लगवाई जाती थी और पौधे को पानी दिलवाया जाता था। वीडियो में छात्र ने कॉलेज पर आरोप लगाया कि जब उसने एडमिशन लिया था तब कुछ और बताया गया था, लेकिन अब कॉलेज आने पर पता चला कि वैसा कुछ नहीं है जैसा एडमिशन के वक्त बताया गया था। छात्र ने प्रबंधन पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। एडमिशन कराने के बाद इतनी ज़्यादा मुझे टॉर्चर किया गया वहाँ पर, इतना ज़्यादा वहाँ पर टॉर्चर किया गया, इतना ज़्यादा मुझे काम कराते थे वहाँ पर, और बस अकेले बैठे बैठे वहाँ पर या तो जाता था तो वहाँ 4-5 घंटे बैठो, या तो वो लोग काम कराते थे जैसे कि झाड़ू लगवाना या तो पौधों को पानी देना, इस प्रकार से तक काम करवाया मुझसे। जब मैंने आवाज़ उठाई कि ये लोग ना तो यहाँ पर टीचर हैं, 1 साल 4 महीने आज तक हो गए टीचर नहीं था कोई भी, तो मैंने आवाज़ उठाई कि टीचर नहीं है वहाँ पर, आप टीचर अरेंज कर दीजिए, तो संजय पारिख सर ने मेरे को वहाँ पर ऑफिस में उठकर मारा और साथ में गाली गलौज किया और इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर तूने कुछ भी बोला तो मैं तुझे उल्टा जेल भिजवा दूंगा और ये लड़कियों से उल्टा सीधा बयान दिलवा कर तू खुद ही तू फंस जाएगा। ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और इसीलिए आज मैं सुसाइड कर रहा हूँ सबके सामने। छात्र को प्रबंधन द्वारा लड़कियों से आरोप लगवाकर जेल भिजवाने की धमकी भी दी गई। इन्हीं परेशानियों के चलते छात्र ने जहर खा लिया। फिलहाल छात्र का इलाज
MY हॉस्पिटल में चल रहा है। छात्र अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है। छात्र द्वारा जन सुनवाई में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। रायसेन जिले के बाड़ी शहर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम सिरबारा में टाइगर के पहुंचने से ग्रामीण समेत शहर में भी दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीण लोग अपने घरों को बंद कर छतों पर पहुंच गए। ग्राम सिरबारा और उसके आसपास टाइगर की दहशत का माहौल बना रहा। भोपाल वन विहार की टीम टाइगर को रेस्क्यू करने के लिए पहुंची, तब जाकर बड़ी मुश्किल से टाइगर को पकड़ा और पिंजरे में डालकर भोपाल रवाना किया गया। जंगल से भटककर खेतों से होता हुआ ये इंसानी बस्ती तक पहुंच गया था। टीकमगढ़ के नजरबाग मैदान में पत्रकारों ने एकता की मिसाल पेश की। पत्रकारों ने शहर में अयोध्या मामले में फैसला आने से पहले सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। पत्रकारों ने शहर में अमन और चैन कायम रखने के लिए प्रशासन से परमिशन लेकर एकता मार्च निकाला। पैदल मार्च को नजरबाग से शुरू करते हुए पूरे शहर में निकाला गया। इस दौरान पत्रकारों ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई के नारे भी लगाए। पत्रकारों ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि शहर में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए लोग अपनी बुद्धि विवेक से शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे का सम्मान करें, किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। इस पैदल मार्च में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों ने भाग लिया। हमारा ये शहर गंगा जमनी तहजीब का शहर है। यहाँ कौमी एकता और आपसी भाईचारा यहाँ की पहचान पूरे हिंदुस्तान में कायम है। और आज जैसे माहौल जो देश भर में बन रहा है अयोध्या के फैसले को लेकर के, तो हम लोगों की ये सोच है कि इस शहर की अमन शांति जिस तरह से चली आ रही है ऐसे ही कायम रहे, और हम सभी एक साथ होकर के पत्रकार साथी शहर का भ्रमण करेंगे और सभी दुकानदारों से और लोगों से अपील करेंगे कि अपने शहर की जो पहचान है उसे बरकरार रखें। देश का ऐतिहासिक फैसला है मस्जिद और मंदिर के एतबार से, इसके ओर से हम लोगों ने आज पत्रकार सामने आज फ्लैगमार्च निकाला है। उसका संदेश सिर्फ यह है कि ये शहर, ये देश गंगा जमुना तहजीब का एक मिसाल है, इसी मिसाल को कायम रखना है। जो भी फैसला आए हम सब समाज को इसका स्वीकार बड़े तहे दिल से। बक्सवाहा TI RN तिवारी ने बताया कि 32 वर्षीय सौरभ पाटकर एवं अब्दुल के बीच बीरगढ़ के एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते जब अब्दुल की मां गुरुवार की शाम यहां घास काट रही थी तो सौरभ ने आकर विरोध किया। जवाब में अब्दुल और उसके भाई अमीन के साथ मां समीना ने सौरभ पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया और हाथ में मौजूद हसीये से मार दिया। गंभीर घायल अवस्था में सौरभ की दमोह अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। एक जमीन को लेकर ही पुराना विवाद था, उस पर लेकर दो बच्चों में झगड़ा हुआ, उसमें एक घायल हुआ, उसकी इलाज के दौरान दमोह मृत्यु हुई। PM करा दिया गया है और कार्रवाई की जा रही है, सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, सबको मानने जाने के स्पष्ट किया गया। मृतक सौरभ की एक वर्ष पहले ही शादी हुई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने एक घंटे के भीतर ही महिला समीना और उसके दो बेटों अब्दुल और अमीन को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आरोपियों और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्वालियर के MITS कॉलेज में डे स्कॉलर्स और हॉस्टलर्स छात्रों के बीच विवाद के बाद झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि कैंपस में कॉलेज के दो छात्राओं के साथ हॉस्टलर्स ने मारपीट की, जिसके बाद नाराज डे स्कॉलर्स व हॉस्टल के छात्रों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि कॉलेज कैंपस में छात्रों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। उपद्रव को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने आकर बल प्रयोग किया। इस मामले में प्रबंधन ने 11 छात्रों को निलंबित कर दिया है। छतरपुर के सिविल लाइन थाना के रामगढ़ में मोबाइल में विस्फोट होने से एक मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना उस समय हुई जब 14 साल का चाहत अहिरवार चार्ज पर लगे मोबाइल में गेम खेल रहा था, तभी अचानक मोबाइल में जबरदस्त विस्फोट हुआ। विस्फोट से घर में हड़कंप मच गया। जब चाहत के परिजनों ने विस्फोट की जगह जाकर देखा तो चाहत गंभीर रूप से घायल और खून से लथपथ पड़ा था। तत्काल परिजनों से जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखकर उसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट किया और उसे ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। चाहत के परिजनों का कहना है कि चाहत जियो कंपनी का मोबाइल चला रहा था, तभी उसमें विस्फोट हो गया। मेरा भाई मोबाइल चला रहा था, मोबाइल फट गया और काफ़ी चोट आ गई चेहरे में, हाथ में, और डॉक्टर साहब बोल रहे कि ग्वालियर ले जाओ। कौन सी कंपनी का? जियो। ग्वालियर में अखिलेश्वर रोड पर रविवार के दिन हुए अग्निकांड में दो होटलों को हुए भारी नुकसान के बाद प्रशासन ने अब सभी व्यावसायिक संस्थानों की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस तरह की घटनाएं अब ना हो, इसके लिए शहर में सभी होटल, स्कूल, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर व कमर्शियल बिल्डिंग में जाँच की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त संस्थानों के पास फायर NOC है या नहीं।
दरअसल शहर के रिहायशी इलाकों में आए दिन होटल खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट व अन्य व्यावसायिक संस्थानों पर फायर एनओसी की बात तो दूर, निर्माण की मंजूरी भी नहीं है। अभी हम ये सभी जितने भी कमर्शियल बिल्डिंगें हैं जो तीन तीन चार चार मंजिल के हैं और जो मॉल भी हैं, जो बड़े बड़े स्टोर हैं, है ना, मेगा स्टोर हैं आपके, तो उनमें हम सभी लोगों की एक मीटिंग कॉल कर रहे हैं निकट दो तीन दिन के अंदर, और उसमें उनसे पूरी जानकारी लेके फिर उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे कि वहाँ पर फायर की इन्होंने क्या, फायर की इनके पास एनओसी है, फायर ऑडिट कराया है इन्होंने कि नहीं कराया, बिल्कुल कार्रवाई होगी इन पर, सब कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये इन्हीं की सुविधा के लिए है, इन्हीं के पब्लिक सेफ्टी के लिए है, मतलब इनके जो प्रतिष्ठान हैं उनकी तो सुरक्षा है ही है, बाकी जो प्रतिष्ठानों में जो एक आम आदमी जा रहा है ख़रीदने के लिए या कुछ एंटरटेनमेंट के लिए या जो भी जा रहा है, तो उसकी भी जीवन की रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे संस्थानों की लिस्ट तैयार की जा रही है जिसके पास फायर एनओसी नहीं है, साथ ही ऐसे संस्थानों की बारीकी से जांच करने की तैयारी है जो फायर एनओसी की शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस पूरे निरीक्षण के लिए जिले के सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया है, जल्दी ही जमीनी स्तर पर अभियान चलाकर इन सभी संस्थानों की जांच की जाएगी और इनमें कमियां पाए जाने पर आगे कार्रवाई होगी। भोपाल स्थित मिंटो हॉल में रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और कला महोत्सव विश्व रंग का आयोजन किया गया। इस मौके पर देश सहित करीब 30 देशों के साहित्यकार एवं कलाकार मौजूद रहे। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य साहित्य एवं कला के प्रति लोगों की रुचि को बढ़ाना है। महोत्सव में विभिन्न कलाकारों द्वारा गायन और नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इस रंगारंग कार्यक्रम में आदिवासियों द्वारा पारंपरिक परिवेश में नृत्य प्रस्तुत किया गया। आयोजन में आए विभिन्न कलाकारों और साहित्यकारों ने अपने अनुभव साझा किए। इस मौके पर 200 वर्ष की 630 कहानियों का सुर्ख संकलन का विमोचन किया गया। इस दौरान रविंद्र कैटलॉग का भी विमोचन किया गया। विश्व रंग के साहित्य उत्सव समारोह में सांस्कृतिक मंत्री विजय लक्ष्मी साधो और साहित्यकारों के साथ साथ बॉलीवुड कलाकार रजत कपूर विशेष रूप से मौजूद रहे। विश्वविद्यालय के चांसलर संतोष चौबे ने कहा कि कला और संस्कृति जीवन जीने की कला देती है। विश्वविद्यालय के डायरेक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने बताया कि इस महोत्सव से देश में साहित्य और कला को बल मिलेगा। देश में आयोजित होने वाले इस तरह के आयोजन में यह सबसे बड़ा आयोजन है। आज टैगोर इंटरनेशनल फेस्टिवल फॉर आर्ट्स एंड लिटरेचर या विश्व रंग साहित्य एवं कला अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का चौथा दिन है और इस पूरे महोत्सव का मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं और हिंदी को केंद्र में रखकर उनके साहित्य के ऊपर चर्चा करना, भाषाई जो हमारा पूरा डिस्कशन है उसको केंद्र में लाना, जो कि शायद अन्य लिटरेचर फेस्टिवल जो हो रहे हैं उसमें नहीं हो पाता है, पूरी तरह से नहीं हो पाता है। तो उस फेस्टिवल को हमने कंसीव किया और हिंदी और भारतीय भाषाओं को केंद्र में रख के इस फेस्टिवल को बनाया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर विजय सिंह ने बताया कि विश्व रंग के आयोजन में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, जर्मनी सहित करीब 30 से ज्यादा देशों से लोग आए हैं। यहाँ हिंदी विषय को पढ़ाया जाता है। यह कार्यक्रम 10 नवंबर तक चलेगा जिसमें कई कलाकार और साहित्यकार अपनी प्रस्तुति देंगे। ये रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी द्वारा परिकल्पित कार्यक्रम है और ये लिटरेचर फेस्टिवल कम आर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 4 तारीख से 10 तारीख तक ये कार्यक्रम होना है। अभी 4 से लेकर 6 तक का कार्यक्रम जो था वो रविंद्र भवन और भारत भवन में संपन्न हुआ, जिसमें कि कलाओं पे हम लोगों ने बहुत सारी बातचीत की, जिसमें पेंटिंग है, उसमें कविताएँ हैं और भी दूसरे कल्चरल कार्यक्रम आयोजित किए गए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
देख रहे हैं दखल न्यूज़।